नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं दीपाली सिंह, खबर पंजाब से। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने शिरोमणि अकाली दल ने दिया धरना। कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह मामले में आज शिरोमणि अकाली दल की तरफ से श्री मुक्तसर साहिब डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने धरना दिया गया। जत्थेदार दयाल सिंह कोलियावाला के नेतृत्व में दिए गए इस धरने के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी वर्करों ने हिस्सा लिया। बीते दिनों हुए रेत की गड्डी की नीलामी दौरान कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह के करीबियों को दिए गए इन गड्डों में हिस्सेदारी सामने आने पर राणा गुरजीत सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करी। आज शिरोमणि अकाली दल की तरफ से पंजाब भर में लगाए गए धरनों की लड़ी के अंतर्गत श्री मुक्तसर साहिब के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने रोष प्रदर्शन किया गया। इस धरने के दौरान कांग्रेस की तरफ से पंजाब की सत्ता में आने से पहले किए गए वादों में से कोई भी वादा पूरा ना होने के रोष के तौर पर पंजाब सरकार विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की गई। पूर्व जिला प्रधान जत्थेदार दयाल सिंह कोलियावाला का क्या कहना है? जो सरकार दी नाकामियां ने वह सारिया असी स्टेज पर सारे वर्करा ने सारे लीडर साहबान ने दस दती ने, और जो धक्केशाइया नजायज़ हो रही ने उन्हां वास्ते सरकार नूं आगाह करदे आ कि वो इस गल तो बाज आउण, और नहीं तो श्रोमणी अकाली दल जुझारुआं दी कौम है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है वो इतिहास में, क्योंकि इतिहास में असीं दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि इतिहास में असीं दोहराना नहीं चाहते। असीं उन्हां नूं सरकार नूं बेनती करदे आ वो सारिया गल्लां ते ठल पाउण, और जो जो नजायज़ परचे किए ने चाहे नजायज़ कार्रवाई कीतियां ने उन्हें बंद किया जाए और कैंसल किया जाए, और जो जो लोगों नाल वादे किए ने चाहे किसानां नाल कीता है चाहे दलतां नाल कीता है चाहे किसी होर मजहब नाल कीता है उन्हें पूरा किया जाए। और जो रेता बजरी का मसला है वो सरकार नूं CBI तो जाँच करवानी चाहिए है, और राणा गुरजीत नूं मुअत्तल करके उन्हें डिसमिस करना चाहिए है। पंजाब की सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने बहुत से वादे किए, परंतु अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। न्यूज डेस्क से साक्षी जोशी के साथ तरसेम की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।